जेएनयू से नारा गूंजता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत माता मुर्दाबाद। आपको इतनी आजादी हो गई कि आप मेरे देश को गाली देंगे, मेरी माँ को गाली देंगे? वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर उनको स्वतंत्रता है तो आधे मिनट की स्वतंत्रता मैं भी चाहता हूँ। उनकी उपस्थिति में दर्ज करता हूँ मेरा ये फरमान, जेएनयू तक पहुंचा दो, जो अफजल की करें पैरवी उनको भी लटका दो, जो अफजल की करें पैरवी उनको भी लटका दो। ये कहते हैं मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा, मोदी के आने से क्या फर्क पड़ा। ये वही कहते हैं जिनके घर में छापा नहीं पड़ा। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गईं। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा खा ले पीजा ले जा ले। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। लोग मन की बात मन में रखे रखे मर जाते हैं। अरे मोदी कम से कम मन की बात रेडियो में तो सुनाते। बाल कांड खत्म हुआ, लंका कांड की बारी है, मोदी ने बतलाया है सेना की तैयारी है। मोदी ने बतलाया है सेना की तैयारी है। अभी तो ग्वाल बाल ने अपना जलवा दिखलाया है, जिससे घबराकर पाकिस्तान ने अपना शीश झुकाया है। जिस दिन अर्जुन के हाथों में गांडी उड़ जाएगा, पूरा पाकिस्तान बेटा पानी पानी हो जाएगा। मैं कहूं सिंधु नदी के जिन बांध है ना, बांध के पानी रोक दो, बहुत जन प्यास में मर जही, जब मरे लग जही पानी छोड़ दो। आइडिया आइडिया मतलब छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया मतलब सबले बढ़िया। सिंधु नदी के बांध से जिस दिन हम से खुल जाएगा, पूरा पाकिस्तान बेटा पानी पानी हो जाएगा। एक आकरी नानगुन ये पाकिस्तान इला रौतइन निपटा दे थे रायपुर के दूजन बर्तन मांजत मांजत। वो बर्तन मांजत मांजत एक रौतइन बोलीस, ये रोगा नवाज शरीफ में ना कीड़ा पर ही कीड़ा, तो दूसर की इस कीड़ा दे तो पूछ पर ही के नहीं। ये का बराबरी करी है पाकिस्तान, हमार बराबरी करी पाकिस्तान, हमर बराबरी नहीं कर सके। काबर 48, 65, 71, 99 में हमने जिसको लतियाया है, वही कुत्ता पूछ उठाकर हमको धमकाने आया है। चार बार हरा चुके हैं पर इतना निर्लज है, फिर आ जाते चार ठन बम दर के गोंदली फटाका है, चला दो बम रहे हो परमाणु बम दर है। अबे उकर बम ला चलाए पर दम चाहिए बेटा, पिस्तौल रखे ले कोनो गुंडा नहीं बन जाए, चलाए के ताकत चाहिए। ये पाकिस्तान हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो कि ओबीसी, मैं भारत माता के जय नहीं बोलो, कहा नहीं बोलत भाई भारत माता के जय नहीं बोलत, अरे कहा बोला था सुनाई नहीं पड़ा था, बने बोल चार बार बोल दी, ये तो बोल तो डरे भाई वो कहा बोल दे। ये आइडिया है। और इतना जान ले तू कि हिंदुस्तान के हर सैनिक की हर तलवार दुधारी है और मोदी जी ने बतलाया है सेना की तैयारी है। बस इतना कहना चाहूंगा, रणभेरी बच चुकी सेना का प्रस्थान, नक्शे से मिटने वाला है पूरा पाकिस्तान।